एक्टर ऑडियंस, जबकि पोएटिक प्ले में इन सब कोई झंझट की जरूरत नहीं पड़ती। और जब इन सब झंझट की जरूरत नहीं पड़ती है तो क्या हो गया, इसका जो है कॉस्टिंग क्या हो जाता है, बहुत तो हो जाता है। नॉर्मल स्टेज प्ले से ही अलग होता है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं नॉर्मल स्टेज में और पोएटिक प्ले में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो नॉर्मल प्ले जब होता है तो स्टेज परफॉर्मेंस होगा, एक्टर होगा, एक्ट्रेस होगा, लाइटनिंग होगा, स्टेज डिजाइनिंग होगा, ठीक है, म्यूजिकल इफेक्ट होगा, तो इन सब सारी चीजों में क्या हो जाता है, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। आगे है, बोलता है पोएटिक प्ले इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ द प्ले इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप में ही पूरा होता है। ठीक है, उसको उससे इंटरटेनमेंट लेने के लिए उसको, ठीक है, क्या है, उससे इंटरटेनमेंट का एंजॉयमेंट करने के लिए किसी भी ऑडियंस, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस या कोई एक्टर्स या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। द पोएटिक प्ले कैन बी रीड बाय अ रीडर, ये याद रखिएगा। पोएटिक प्ले को कहां कहां पढ़ा जा सकता है, ओनली सेल्फ, ठीक है, और ग्रुप में भी कहीं पढ़ा जा सकता है। अब सेल्फ कहां पढ़ सकते हैं, आपका मन है डाइनिंग रूम में पढ़िए, स्टडी रूम में पढ़िए, ठीक है, बगीचा में पढ़िए, पार्क में पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, यानी बाहर से आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिरिकल प्ले, क्या कहा जाता है, और द क्लोसेट प्ले। क्लियर है, बोलता है इट इज नॉर्मली रिटेन इन ब्लैंक वर्स और सम माइथोलॉजिकल और द लेजेंडरी सब्जेक्ट। याद रखिएगा, क्या में लिखा जाता है जनरली, ब्लैंक। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लैंक वर्स क्या होता है, फ्री वर्स क्या होता है, वर्स लिब्रा क्या होता है, ये सारा चीज पढ़ना है। लेकिन कहाँ पढ़ना है, फॉर्म ऑफ पोएट्री। क्लियर है, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं अगर टाइम मिलता है तो। ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, वर्स लिब्रा, ये सारा चीज क्लियर है। ब्लैंक वर्स कहने का मतलब मोटा मोटी हम यहाँ समझा देते हैं आपको। अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अगर ऐसा अगर मीटर बन गया, आयम्बिक मीटर, पेंटा आयम्बिक मीटर, क्या बनेगा, आयम्बिक पेंटा मीटर, 2, 3, 4, 5, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लियर है। अब बाकी हम लोग डिटेल में देखेंगे, पेंटामीटर क्या होता है, आयम्बिक क्या होता है, फ्री वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है, वर्स लिब्रा क्या होता है, और जितने तरह के भी वर्सेज हैं। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। ऑनलाइन वाला समझ में आ रहा है जी, परेशान नहीं ना हो। यहां से अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, ये पोएटिक प्ले जो है किस एज में थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर था या ज्यादा प्रैक्टिकल था, यानी कि प्रचलन में। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यह जो है रोमांटिक और विक्टोरियन, ठीक है, एज में जो है पोएट्स के द्वारा ज्यादा इस तरह की चीजें लिखी गई, कौन सी, पोएटिक। इससे 3-4 क्वेश्चन बन गया, पहला तो नाम से ही बन गया, दूसरा इसका क्या है, ठीक है, डेफिनेशन से क्वेश्चन बन गया, तीसरा क्वेश्चन कौन क्या बन गया, ठीक है, मिनिमम बजट का होता था, ठीक है, या वेरी लो कॉस्ट, या समझिए कि कॉस्टे नहीं था, किताब में लिखने में जो मेहनत पड़ा वो पड़ा, बाकी कोई, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया कौन सा एज में पॉपुलर ज्यादा था या किस टाइम के पोएट लोग लिखे हैं, तो रोमांटिक और विक्टोरियन। क्लियर है, अब आइए हम लोग कुछ फेमस और जो जरूरी का चीज है, ठीक है, कौन कौन से पोएटिक प्ले है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है जी, चलो देखो, ये विलियम वर्ड्सवर्थ वाला याद रखिए, बॉर्डर्स, ठीक है, ठीक है, सब याद करना संभव नहीं, हम भी समझते हैं बात, ठीक है, याद करने के लिए तो बाद बहुत सारा चीज हो सकता है ना, अचपच हो जाता है, ठीक है।
इसीलिए बहुत देते हैं तो उसमें टिक लगा देते हैं कि क्या मिनिमम क्या याद रखना है। ठीक है, द बॉर्डर्स याद रखिएगा, किसका है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। इधर नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाला वाल्टर स्कॉट वाला हाउस ऑफ स्पेन याद रखिए, ए बी बी पी आई, क्लियर है। ठीक है, और एक और याद रखिएगा, आयरन चेस्ट, ये वाला भी एग्जाम्पल, आयरन, इतना में यही याद रखना, क्लियर है। टिक कर लीजिए अपना नोट्स जो है। पीडीएफ नहीं मिला है जी तुमको, आज पहला क्लास है क्या? देखिए अभी तो हम लोग पढ़ लिए इसको, अब होली का छुट्टी होने वाला है ना, कल से या परसों से जो भी हो जाएगा, तो हम लोग को तो क्लास आज तक है। ठीक है, होली के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितना पढ़ लिए हैं, ठीक है, उससे और अलग अलग एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हुए हैं पहले सेट करके क्या करेंगे, सेट करके, ठीक है, और तब फिर हम लोग आगे की ओर, क्लियर है। आज कितना देर पढ़ेंगे, तो आज जितना देर, एक घंटा नहीं, जितना देर अगला क्लास नहीं स्टार्ट हो जाता है उतना देर पढ़ेंगे, हाँ तो 12 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, पढ़े आगे। और होली के छुट्टी में ये मत सोचिएगा आपको रिवीजन करने के लिए हम दे रहे हैं, जितना वर्ड से सो एवर आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव टॉट, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द, ठीक है, नोट्स, एंड यू हैव टू रिवाइज, क्लियर है। रिवीजन पूरा करना है, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट होंगे वीडियो को देख लीजिएगा एक बार दो बार जितना बार मन होगा, ऑनलाइन वाला सोच रहा होगा सर खत्म नहीं ना हो जाएगा 3-4 बार देखने के बाद, ठीक है जी, तो जितना बार टाइम निकाल के वीडियो देख सकते हैं देख लीजिएगा, पीडीएफ भी है, पढ़ने का मन होगा पढ़ लीजिएगा, पहले पढ़ने का ही कोशिश कीजिएगा, जब कहीं कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, और एग्जाम से एक महीना पहले हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को फ्री कर देंगे कि जितना बार मन होगा देख सकते, ये हम प्रयास करेंगे, प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत तरह की समस्याएं हैं आप समझते हैं, ठीक है, सबको फ्री कर दें, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं एग्जाम से एक महीना सारा वीडियो एकदम फ्री कर देंगे कि आपको 50 बार देखने का मन है तो 50 बार, क्लियर है। और एग्जाम से एक महीना पहले जितना कोर्स पढ़े हैं एक बार क्रैश कोर्स टाइप का 5-10 दिन में पूरा रिवाइज करा दें, समझा जी, लेकिन दिमाग शांत रहने देगा तब ना मेरा, यार डेली की चीट की चीट नहीं, ननद भोजाई की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई टाइप क्या, ठीक है। देखो कोई भी क्रिएशन तब आता है जब माइंड फ्री होता है, विदाउट फ्रीडम ऑफ माइंड, विदाउट फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, नो क्रिएशन, ठीक है, कैन बी ब्राउट, है ना। तो आगे बढ़े हम लोग, क्या हुआ, लॉर्ड बायरन का याद रखिएगा, हैवी, ठीक है, हेवन एंड अर्थ, क्या याद रखिएगा, हेवन एंड, क्या हो गया, क्या कोई दिक्कत है, क्या मैं बोल रहा हूं, एग्जाम नहीं है, हेक्सम है, एच ई एक्स एन, एग्जाम तुमको याद है तो हेक्सम को एग्जाम बना देगा, उस जगह का नाम है जहां लड़ाई हुआ था, जैसे प्लासी का युद्ध, ठीक है, ये युद्ध, वो युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, समझते हैं ना, तो उसी तरह से वहां पे एक लड़ाई हुआ था जिसके बारे में। अच्छा, ये सब सेक्शन के अलावा एक सेक्शन हम लोग और देखेंगे, क्या देखेंगे, एक सेक्शन हम लोग देखेंगे जो सिलेबस में नहीं है फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि संभावना है कि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि पिछले बार नहीं आया हुआ है, ये कोई जरूरी है कि पिछले बार नहीं आया तो इस बार नहीं आया है, है ना, क्या क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तो लिटरेरी एज के थ्रू, सारे लिटरेरी एज के थ्रू जाएंगे, मेन लिटरेरी एज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और उस लिटरेरी एज में कौन कौन सा मेन मेन युद्ध हुआ है वो देखेंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो इस बात को भी हम लोग कंप्लीट करें, ठीक है। किड्स का ओथो द ग्रेट
याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लेना है। अब देखिए स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम होता है, कौन वाला याद करें कौन वाला छोड़े सर, जिसका हम रास्ता निकाल दे रहे हैं आप, ठीक है ना। ऑथो द ग्रेट याद रखना है, और ये जो सेंसी है वीवीआई है, ये 4-5 बार आया हुआ है लेक्चरशिप में, नेट में, यूपी टीजीटी अलग, ठीक है, अलग स्टेट का जो एग्जाम है उसमें आया हुआ है। क्लियर है, बस इतना ही याद रखिएगा, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया जी। अब आइए इस पे हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, क्या करेंगे और है राइटर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका पीपा पासेज याद रखिएगा, इसका रॉबर्ट ब्रॉनिंग का क्या याद रखिएगा, पीपा पासेज। और इसमें याद रखिएगा कौन, ए वाला याद रखिएगा, फाल्कन एंड किंग, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बस इसमें यही याद रखिएगा। क्लियर है, इसमें दो ही याद रखिएगा, क्वीन मैरी और द फाल्कन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्वाइन वर्ण का याद रखना है आपको, एक याद रखिएगा। देखिए कहने का मतलब है कि जहाँ कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कोई क्वेश्चन, तो उस तरह का क्वेश्चन ज्यादा देता है, रोजमंड रोजेलिन, ठीक है, जो क्वेश्चन दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो ज्यादा पूछता है, तो ये वाला याद रखिएगा, ठीक है, स्वाइन वर्ण का है। और एक ही याद रखिएगा मैथ्यू अर्नोल्ड का, क्लियर है। अब आइए इसके बाद हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड है बनाया जाए। चलिए प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका यही है कि क्लोजेट जो है, ठीक है, पोएटिक प्ले को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्लोजेट प्ले के नाम से जाना जाता है। अब इसी को लिरिकल प्ले दिया रहता तब भी क्या हो जाता है, यही जवाब हो जाता है। क्लियर है, अब मान लीजिए कि कोई पोएटिक प्ले और क्लोजेट ड्रामा पढ़ के या प्ले पढ़ के गया है और लिरिकल वाला नहीं जानता है तो छूट गया, खत्म हो गया कहानी। क्लियर है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, द पोएटिक प्ले बिकेम पॉपुलर इन रोमेंटिक एंड विक्टोरियन एज, अभी हम लोग देखें, ठीक है, रोमेंटिक एंड विक्टोरियन एज, रोमेंटिक एंड विक्टोरियन एज। देखिए पढ़ने के बाद तुरंत प्रैक्टिस करना यही इसीलिए जरूरी होता है कि किसी का याददाश्त थोड़ा कम है या थोड़ा कम मेहनत भी करेगा तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत करने का यही मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि सब स्टूडेंट 10 घंटा 12 घंटा नहीं पढ़ सकते, है ना। तो भाई जो धीरे धीरे भी चलने वाला है, कम मेहनत करने वाला है, उसका भी रिजल्ट हो जाए कम से कम, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पोएटिक प्ले जनरली क्या चीज में लिखा गया था, तो ये भी हम लोग देख लिए कि पोएटिक प्ले जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, नेट में आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, नेट के एग्जाम में आया हुआ वे ब्लैंक पर। तो देखिए पढ़ते समय हम लोग कितना डेप्थ में हर चीज का ध्यान रखते हैं, ठीक है, और कहीं वैसा चीज का ध्यान रखिए जो नहीं याद करना था रट लिए, और जो याद रखने वाला था यादें नहीं किए, सब आपका मेहनत क्या हो गया, पानी है,
आगे बढ़े जी। ऑनलाइन वाला स्टूडेंट कुछ कह रहा है का? बड़ी बनी लिख दिया का तो। पोएटिक प्ले हम लोग देख नहीं पा रहे हैं सर, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर। जा रहा था। अच्छा ठीक है, इसको प्रैक्टिस करा देते हैं तो फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ध्यान तो रखना पड़ेगा। कहने जा रहा था बड़ा सिस्टम क्या बन रहा है सवाल साहब निकल नहीं है। और होली के बाद जितना पढ़ लिए हम लोग लगभग ड्रामा खत्म हो गया। ठीक है, आज प्रॉब्लम प्ले बचा हुआ है उसको भी खत्म कर दे रहे हैं। उसके बाद जितना क्वेश्चन आया होगा ठीक है तो सब क्वेश्चन को बनवा दे। लेकिन हमको ऐसा विश्वास है कि शायद गिना चुना एक आध दो को क्वेश्चन ही आपसे मिस होगा। ठीक है, जो मिस होने वाला वो भी बनवा देंगे, नहीं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। ठीक है, हाँ फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा इंपोर्टेंट है। पिछले बार फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा से पता है कितना क्वेश्चन आया है? देखिए ड्रामा बोलने का मतलब दो होता है। देखिए जी, जो नया स्टूडेंट है समझ लीजिए थोड़ा सा, जो नया स्टूडेंट है थोड़ा सा समझो ड्रामा कहने का क्या मतलब हुआ। देखो जी, कुछ नया बच्चा लोग जुड़ा है और नया बच्चा तो जुड़ते ही रहेगा, है ना। ड्रामा बोलने का दो मतलब है बाबू तुलो का। पहला ड्रामा बोलने का मतलब यह है कि फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का तीन पार्ट होता है, पोएट्री ड्रामा और प्रोज। ऐसे तो उसमें जो ड्रामा है फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट, फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो ड्रामा पढ़ना है हम लोग को। इससे पिछले बार डायरेक्टली अगर कहा जाए तो 7 या 8 क्वेश्चन आया है। कितना क्वेश्चन आया है? कितना क्वेश्चन डायरेक्ट आया है? तो ड्रामा का डेफिनेशन क्या है, ड्रामा का फॉर्म्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ड्रामा ट्रेजेडी में अंतर क्या होता है, प्राइमरी ट्रेजेडी क्या होता है। ठीक है, कहने का मतलब ट्रेजेडी कितने तरह का होता है, अगर मान लीजिए कॉमेडी है तो कॉमेडी कितने तरह का होता है, ये सब। तो ड्रामा में हम लोग क्या पढ़े, ये सारी चीज। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि फिर से जो है कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन 2022 की अगर एग्जाम ले लेता है टाइम से तो इसमें भी जो है कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो जितना हम लोग पढ़ लिए, अगर इतना पढ़ के 10 क्वेश्चन श्योर हो गया तो इससे बड़ी बात क्या है। कहेगा ड्रामा में और क्या सिलेबस है सर? तो ड्रामा में और सिलेबस है जो एक दो टेक्स्ट दिया हुआ है आप लोग को पढ़ने के लिए। दो ड्रामा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन। बड़ी शानदार ठीक है ड्रामा है और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? ये पहला ड्रामा हो गया और दूसरा जो है विलियम शेक्सपियर का। यहां से 8 क्वेश्चन था और यहां से 7 क्वेश्चन। अब कहिएगा कि इतना ही क्वेश्चन था सर? तो इतना ही क्वेश्चन था डायरेक्टली। अब जो है ये चूंकि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है तो विलियम शेक्सपियर के लाइफ पे जो है ठीक है और भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए थे। और चूंकि ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लिखा हुआ है तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के लाइफ बायोग्राफी, उनका अचीवमेंट, उनका और कौन कौन सी रचना है उस पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन। क्लियर है? तो अगर मिनिमम भी अगर जोड़ दें हम लोग तो 8 7 कितना हो गया 15, और 15 7 कितना हो गया 22 हो गया। और ये 22 के अलावा मान लो कि 8 क्वेश्चन और, कितना हो गया टोटल 30। तो 30 × 60 नंबर कम से कम, इतना हम लोग कवर, बहुत बड़ा बात हो गया नहीं? बात हो गया ठीक है। हम लोग यह भी देखेंगे आज जब प्रॉब्लम प्ले पढ़ेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, तो ये भी देखेंगे कि सीरीज बी में जो पहला क्वेश्चन का शुरुआत था ठीक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ठीक है प्ले से। क्लियर है? तो देखिए आप लोग एग्जाम में एक बात समझिएगा, ये तो समझते हैं कि सीरीज चेंज होता है तो केवल सीरियल नंबर चेंज होता है, क्वेश्चन किसी का चेंज नहीं होता। तो किसी सीरीज में ऐसा हो सकता है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन लाइन से भारी आ जाए किसी को, और किसी को ऐसा भी हो सकता है कि लाइन से जो है क्वेश्चन 10 को आसान रहे। तो अगर भारी क्वेश्चन है तो नर्वस नहीं, पहला बात ये ध्यान।
क्वेश्चन तो सबका एक ही है, लेकिन फाइट में ये होता है कि दो चार थाप शुरू में जो पिटा गया वो नर्वस हो जाता है, ठीक है। इस बात को माइंड मेकअप रखना है कि अगर शुरू का दो तीन क्वेश्चन भारी भी है तो बहुत नर्वस होना नहीं, क्योंकि आप माइंड मेकअप करके जाइएगा कि हमको 150 में 140 को सही सही बनाना, तो स्टेट टॉपर समझ रहे हैं बात को। स्टूडेंट कहाँ सोचता है जा 5 को हो गया कहानी उसका। अब वो नर्वसनेस के कारण क्या है कि जो आया हुआ अभी क्वेश्चन है जो बना सकता है थोड़ा सोच विचार के, वो भी नर्वस होने के कारण क्या हो जाएगा, उससे मिस हो जाएगा, कंफ्यूजन में गलत हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो समझ गया जी नया वाला स्टूडेंट कि ड्रामा में कहां कहां से व्हाट ऑल थिंग यू हैव टू स्टडी एंड फ्रॉम विच पार्ट, ठीक है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्लियर है। तो ड्रामा जो प्रेस्क्राइब ड्रामा है वहां से क्वेश्चन 8 और 7 15 क्वेश्चन सीधा सीधे, एक दो क्वेश्चन हो सकता है बढ़ जाएगा, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, उसका एक्ट वाइज, ठीक है, सीन वाइज, उसका लाइनिंग, उसका इंपॉर्टेंट कोटेशन, और जो ड्रामेटिस्ट है उनका पूरा बायोग्राफी, मेन मेन रचनाओं को देखेंगे, और पढ़ते समय ध्यान रखना है कि उन रचनाओं को कौन सा बात याद रखना, ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर से वापस आते हैं वहां पे जहां पढ़ रहे थे, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पोएटिक प्ले तो ये हो गया था, क्या है ब्लैंक फर्स्ट में लिखा हुआ है, कर दिए थे ना, अगला क्वेश्चन क्या है, हु रोट द पोएटिक प्ले द सेंसी। अभी हम लोग देखें पीबी शेली क्वेश्चन बोले हैं, कई बार आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, नेम द पोएटिक प्ले रिटन बाय, ठीक है, विलियम वॉर्ड्सवर्थ। तो द पॉटरर्स बोले थे याद करने के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है पॉटरर्स, ठीक है। अगला है, द थीम ऑफ द सेलीज पोएटिक प्ले हैज बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रीक प्ले राइट, नेम द प्ले, ठीक है, प्रोमेंथस अनबाउंड से लिया गया है, सेंसी को कहां से लिया गया है, प्रोमेंथस अनबाउंड से लिया गया, उसका जो थीम है, तो प्रोमेंथस अनबाउंड टिक कर दीजिए। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, सफलता पाने के लिए एक बात ध्यान रखना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना, क्या मतलब हुआ कि प्रयास निरंतर करते रहना, ऐसा नहीं कि किसी दिन बहुत जो है एकदम लगा कि पढ़ना चाहिए तो 10-12 घंटा पढ़ लिए, 18 घंटा पढ़ लिए और अगले 2 दिन बीमार हो गए, या ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है कोई दिन खूबे पढ़ लिए 12 घंटा और 4 दिन कुछ पढ़े नहीं, तो ये दर्शाता है कि आप बैलेंस्ड, आप 2 घंटा 3 घंटा जो भी रूटीन बनाया 4 घंटा का, तो मिनिमम एक टाइमिंग स्टडी आवर जो है यू हैव टू मेंटेन दैट वन, क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर उस मिनिमम टाइमिंग को मेंटेन कर लेते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है, सफलता पाने से, क्लियर है। दूसरी बात, ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि यू आर गेटिंग द बेस्ट मटेरियल, ठीक है, इन द बेस्ट वे। आप ये दिमाग में मत रखिएगा सर वो किताब नहीं पढ़ेंगे, बाजार में पता नहीं और कौन किताब होगा, एकदम सब इसे छोड़, हाँ ये जरूर रखिए कि जो भी प्रैक्टिस सेट कहीं से मिले, मॉडल सेट मिले, प्रैक्टिस करने के लिए मिले, बनाइए सब, क्लियर है। नहीं बनेगा आपसे तब ना कहिएगा कि सर देखिए ना बना रहे थे कुछ, ड्रामा तो पढ़ लिए थे लेकिन ड्रामा से क्वेश्चन नहीं बन, तो ड्रामा जब पढ़ रहे हैं और पढ़ लिए हैं तो ड्रामा से कहीं से क्वेश्चन आए तो कम से कम 90% हर हाल में आपसे बनना चाहिए, आज वो 5-10% एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन होगा एक डायरी बनाई उसमें, क्लियर है। तो 10% जो अगर लगता है कि नहीं प्रश्न और भी कुछ जोड़ा जा सकता है, ठीक है, या कुछ और क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है तो उसको हम लोग जो है होली बाद उसको ऐड करें, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक प्ले इज रिटन बाय, ठीक है, अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा कौन है, द प्रॉमिस ऑफ
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ओनली पोएटिक प्ले बाय जॉन किट्स ऑथर द ग्रेट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक प्ले इज नॉट रिटेन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, आइडेंटिफाई द प्ले। नीचे चार को दिया गया है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है, ठीक है, क्या है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा नहीं लिखा गया, बताइए जल्दी। लास्ट क्वेश्चन हो गया, हु इज द ऑथर ऑफ, ठीक है, क्या है, पोएटिक प्ले इन ऑन एथेना, कौन लिखा है, देखिए, मैथ्यू ऑर्नॉट। नहीं लिखा गया है, यह ध्यान रखना, यही ना, कहीं लिखा गया कहीं नहीं लिखा गया है। इसी में बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, नोट वाला साइलेंट कर देता है, आगे मार देता है उसी को, यार तू तो याद है यही वाला है, ठीक है, क्लियर है, तो आगे बढ़े हम लोग। प्रॉब्लम प्ले लाओ जी उसको, कौन बगल वाला करो ना, इतना भी नहीं करेगा। जल्दी आप पीडीएफ सबको भेज दो, मेरा क्लास लेने के पहले मेरे क्लास में कम से कम मेरे सारे बच्चे को पीडीएफ पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, बाकी स्टूडेंट के साथ क्या करेगा विषय में हमको नहीं पता, ठीक है, नहीं ऐड किया है ग्रुप में, कैसे नहीं, उसमें डाल दो, ग्रुप है ना उसमें, हाँ सब है, समझा, क्योंकि तो मेरा पीडीएफ अब हमेशा एडवांस रहेगा, एक महीना का हम एडवांस मटेरियल बना दिया है, तो जब हम एडवांस कर दिया तो मेरा बच्चा को भी एडवांस फैसिलिटी मिलाना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, एडवांस मटेरियल दे देंगे तो कुछ बच्चा अपने से भी पढ़ के आएगा और तब ना सवाल डिस्कस करेगा हमसे, ठीक है। चलिए तो प्रॉब्लम प्ले में हम लोग आते हैं, भेजो अभी, भेजो ना, स्टूडेंट पीडीएफ भी बना, फैज को फोन करो, स्टूडेंट पीडीएफ पहले बनवाए, तो देखो हम स्टैंड ले लेंगे कि अभिषेक छोड़ेगा पतंजलि तभी रवि सर रहेंगे। तो जल्दी भेजो, पहले किसी को भेज दो, तो ग्रुप में भेजो, ये लोगों को प्रिंट लेना है, अभी भेज दो, जाके पढ़ेगा घरे जाते जाते, फिर ना भेजो अब तुम तब पढ़ो, अच्छा क्लास कर रहे, तो भी कहीं क्लास कर रहा है कुछ, थोड़ा सा दे दो मौका उसको। चलिए तो प्रॉब्लम प्ले क्या है, प्रॉब्लम प्ले का कैसे, ठीक है, आगमन हुआ, अराइवल कैसे हुआ, क्लियर है। तो प्रॉब्लम प्ले बोलते ही सबसे पहले दिमाग में किसका नाम आता है, जॉर्ज, ठीक है, जीवी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम है, क्लियर है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि जीवी शॉ के बारे में 5 मिनट में हम लोग थोड़ा सा कुछ जानते हैं, क्योंकि किसी के बारे में जब तक बैकग्राउंड नहीं जानिएगा तब तक थोड़ा सा पढ़ने में क्या होता है, मजा नहीं है ना जी। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से डायरेक्ट पिछले बार जो क्वेश्चन है इनके बायोग्राफी से, इनके लाइफ, ठीक है, हिस्ट्री से, इनके कुछ कुछ रचनाओं से, ऐसे तो मैन एंड सुपरमैन पढ़ना ही है, उससे भी क्वेश्चन बता ही दिए कितना आया है, लेकिन उसके अलावा भी आया हुआ, तो जब हम लोग मैन एंड सुपरमैन पढ़ेंगे वहां भी देखे लेंगे, लेकिन यहाँ भी कुछ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इनका पूछता है कि इनका ओरिजिन प्लेस क्या था, यानी वेयर ही वॉज बोर्न एंड वेन ही वॉज बोर्न, तो जन्म कब लिए थे इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, और कहाँ जन्म हुआ था इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आया एक आयरिश प्ले राइट को माना जाता है, क्या माना जाता है, आयरिश करने मतलब आयरलैंड के थे। अब आयरलैंड खाली याद रख के करिएगा तब भी पूछ देगा कि आयरलैंड में कहाँ, तो डबलिन, कहाँ जन्म हुआ था, डबलिन, क्लियर है। तो लिख सकते हैं, ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन आयरलैंड
ही वॉज बॉर्न इन आयरलैंड, आयरलैंड के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, आयरलैंड समझते हैं कहां पे है, क्या समझता है, क्या समझता है बैबुल, आयरलैंड स्कॉटलैंड है, और यहाँ पे वेसेक्स, जितना जो है वेसेक्स आएगा ना, ईएक्स ईएक्स करके बहुत सारा जो है इधर साइड में क्या है सिटीज है इंग्लैंड का, तो ये मान लो सेंटर में लंदन है, ये क्या हो गया आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, सबको मिला के क्या बोला जाता है, यूके बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम क्या बोला जाता है, क्लियर है। तो पहला काल लिखे हम लोग पॉइंट, ही वॉज बॉर्न इन आयरलैंड ब्रैकेट में डबलिन, इन डबलिन DUBLIN डबलिन, इन लिखो इन 26 जुलाई 1856, इन 26 जुलाई, 26 जुलाई, 26 जुलाई, 26 जुलाई 1850 क्वेश्चन आया हुआ। जब उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इनको ऑस्कर अवार्ड मिल रहा था, आप लोग जानते होंगे केवल इनको नोबेल प्राइज मिला है, ऑस्कर अवार्ड भी मिला, ठीक है। अब किताब में ऑस्कर अवार्ड नहीं लिखता है, खाली लिखता है नोबेल प्राइज और ये साहित्य अकादमी, ये सब ठीक है, इंग्लैंड का मिला। क्वेश्चन सेटर के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात को पकड़ना रहा था, ठीक है, लिख लिए। एंड डाइड ऑन तो हो सकता है पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है कि जन्म इतना हुआ था तब रिडेस पूछते, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया, यानी जैसे भी है इसका जन्म और मृत्यु दोनों याद रखना है। ऑन 2 नवंबर 1950, क्लियर है जी, ये दोनों, हाँ तो मॉडर्न ड्रामेटिस्ट माना जाता है ना, मॉडर्न इसके लिया बहुत, हाँ तो जो ज्यादा टेंशन में रहेगा, जो दुखियारा ज्यादा रहेगा तो तू जल्दी मरेगा ही ना मरेगा। चलिए बोलता है कि इनके ड्रामा पे बहुत सारा जो है फिल्म भी बना है, और उसी फिल्म के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, क्लियर है। तो कौन सा ड्रामा आ था और कौन सा इनके ड्रामा पे फिल्म बना था, तो पिग्मेलियन नाम सुने हैं, फ्लावर गर्ल की कहानी, कैसे फोनेटिक्स वगैरह सिखाते हैं और उसको मॉडर्न सोसाइटी में कितना स्मार्ट बोलने में बनाते हैं कि उस समय के लंदन का और कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जितना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट था या लड़कियां थी उससे ज्यादा बोलने में फ्लुएंट और शानदार, क्लियर है। तो यही पिग्मेलियन पे एक फिल्म बनता है माई फेयर लेडी, क्या बनता है माई फेयर लेडी, पिग्मेलियन पे ही बेस्ड क्या है एक पिक्चर है, क्लियर है। तो लिखिएगा क्या इसको, लिखिए ही वॉज गिवेन ऑस्कर अवार्ड, लिख लीजिए पूरा पॉइंट ही लिखा दे रहा, ही वॉज गिवेन ऑस्कर अवार्ड इन 1939 ऑस्कर अवार्ड कब मिला था, ऑस्कर अवार्ड इन 1939, ठीक है, फॉर हिज पिक्चर के लिए, स्क्रीन राइट के लिए मिला था, फॉर हिज म्यूजिकल ऑब्लिक स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्ले का मतलब पिक्चर, ठीक है, फॉर हिज म्यूजिकल और स्क्रीन प्ले एक ही कहने का मतलब है। अब जैसे वहां पे स्क्रीन प्ले फिल्म मूवी नहीं लिख के लिख दिया म्यूजिकल, दिमाग खराबी कहां से म्यूजिकल आ गया,
तो आपको ये जितना भरमाने वाला पॉइंट है सबसे अच्छा, वही बात हम जानते हैं कि वही पूछ रहा है, ठीक है। म्यूजिकल और स्क्रीन प्ले, माई फेयर लेडी, माई फेयर लेडी, अब पूछ देगा माई फेयर लेडी इज, ठीक है, बेस्ड ऑन क्या है, और नीचे ऑप्शन देगा ड्रामा है को पिक्चर है कि म्यूजिकल है कि स्क्रीन प्ले है कि नोवेल है, क्या है स्क्रीन प्ले, फंसा सकता है ना, यहाँ भी कौन दोनों एक ही मतलब है, तो इसीलिए तो लिखा है म्यूजिकल ऑब्लिक स्क्रीन प्ले, है ना। तो जहां आपके माइंड से क्वेश्चन सेटर खेल सकता है उसके दिमाग उसके खेल को ही बिगाड़ दे रहे। हाँ ये बात समझा दे, ठीक है। तो क्या हो गया, फेयर लेडी इज द म्यूजिकल ऑब्लिक स्क्रीन प्ले बेस्ड ऑन पिगमेलियन, बेस्ड ऑन पिगमेलियन, PYGMALION, पिगमेलियन। अभी पिगमेलियन क्या है, ठीक है। हाँ देखो कहीं कहीं 12 भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं 14 भी लिखा रहेगा, तो उससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। डेट टूट नहीं पूछा गया है कहीं, क्या पूछा गया है अभी हम क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा लेने दीजिए, ठीक है। बिना पढ़ाए सवाल पूछने में बताने में मजा नहीं आता क्या। अरे आदमी प्रैक्टिस तो वहां करता है जो कुछ जान रहा है। अब बोला क्या कर रहे हो, ड्राइविंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्राइविंग का नियम नहीं जान रहे तो क्या प्रैक्टिस, क्लियर है। बैडमिंटन का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले बैडमिंटन का बेसिक रूल सीखिएगा तब तो, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ जाएं तो यहां से क्या क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, कौन वाला, कि बताइए कि पिग्मेलियन पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कौन सा जो है, ठीक है, फिल्म निर्माण बना हुआ है, ये जो चार वो माई फेयर इससे बहुत पॉपुलर हो गए। अब अगले बार हो सकता है कि माई फेयर लेडी के लिए इनको क्या क्या है बाबू, ओ क्लास करना है, इतना लेट से काहे आ रहा है, डेट वाला है तो बोल दिया करो, हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। हमको लगता है ये बैच में जो बैठ गया सब हाई स्कूल वाला हो गया ना। अब जैसे मान लो कि नेट में एग्जाम आया, नेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि माई फेयर लेडी के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला, विच ईयर ऑस्कर अवार्ड वॉज गिवेन हिम फॉर हिज, ठीक है, म्यूजिकल और द स्क्रीन प्ले माई फेयर लेडी इन विच ईयर। क्वेश्चन आ सकता है कि वह जो है माई फेयर लेडी किस, ठीक है, ड्रामा पे बेस्ड था इनका, पिग्मेलियन पे। तो देखिए एक ही लाइन में कितना तरह से क्वेश्चन घुस गया, नहीं घुस गया। जो पिछले बार हम किताब लिखे हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में, दो क्वेश्चन डायरेक्ट पहले पेज से, पहले बोल पर दो छक नहीं, और भी बहुत ऐसा पेजेज है जहां पे जैसे कोई पेज से तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, जिस समय पूरा अंधेरा था, डार्कनेस था, सिलेबस भी नहीं आया था, उस समय हम किताब लिख दिए पढ़ा दिए, और जो लिख दिए जो पढ़ा दिए वही आ गया। इस बार तो बहुत कुछ क्लियर है, नहीं समझे बात को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, कब मिला था और किस लिटरेरी वर्क के लिए मिला, क्लियर है। तो नोबेल प्राइज कब दिया गया था, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 1925 में मिला था और रचना का नाम था सेंट जॉन, ठीक है। लिखिएगा नोबेल प्राइज वॉज गिवेन इन 1925, नोबेल प्राइज वॉज गिवेन इन 1925 फॉर सेंट, SAINT, सेंट जॉन, JOAN, JOAN जॉन, जोन भी पढ़ सकते हैं। अब अगले बार पूछ सकता है कि यह सेंट जॉन जो है क्या है, कॉमेडी है, ड्रामा है, ट्रेजडी है, ये है वो है, तो यह एक मात्र इनका ट्रेजडी, क्या है ट्रेजडी, तो लिखेगा ट्रेजडी विदाउट एनी विलेन। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि बताइए कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कौन सा रचना है जो ट्रेजडी विदाउट विलेन है,
यानी बिना विलेन के भी ट्रेजेडी हो सकता है। धन्यवाद को तो लिखिएगा ब्रैकेट में नीचे, ट्रेजेडी विदाउट एनी विलेन, ट्रेजेडी विदाउट एनी। समझ में आ गया जी? एक क्वेश्चन और आ सकता है कि यह लगभग जो है मोर देन 60 प्लेज लिखे हैं, कितना 60 से ज्यादा लिखिए, ही हैज रिटेन मोर देन 60 प्लेज, ही हैज रिटेन मोर देन 60 प्लेज। But at first public success was, but ठीक है, he got first public success public success in 1894 through arms and the man। क्लियर है? पढ़े थे ना, जो पब्लिक को हंसा पाता है वह पॉपुलर होगा, जो पब्लिक का बेहतर इंटरटेनमेंट कर सकता है ठीक है उसकी रचनाएं पॉपुलर होगी। क्लियर बात है? अब एक क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा हाई लेवल का, जो जनरली किताब में नहीं लिखा हुआ रहता है, कि यह जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे वह किस ड्रामेटिस्ट से या किस राइटर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे? ठीक है तो लिखिएगा, डीवी शॉ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेनरिक इब्सन, डीवी शॉ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इसके द्वारा हेनरिक इब्सन। तो ये इंपोर्टेंट है सर, तो एकदम इंपोर्टेंट है टीवीआई। तो देखिए नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं पता चलेगा, तब तो अगर कहीं मिल भी गया तो कहेगा टैक्सी। आपके दिमाग में आएगा कि कौन थे हेनरी इब्सन। इनको फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा भी कहा जाता है, फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, ड्रामा में या थिएटर में मॉडर्निज्म के फादर माना जाता है इनको। किनको? ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्निज्म इन ड्रामा। ड्रामा ऑब्लिक थिएटर। इनको और एक चीज का फादर माना जाता है, फादर ऑफ रियलिज्म। क्लियर है जी? आगे बढ़ जाए। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जनरली जीबी शाह का जो ड्रामा था, अगर दो शब्दों में बोला जाए तो उनका मेनली थीम क्या था? 60 से ज्यादा लिखे हैं तो अगर देखिएगा, ठीक है, तो मेनली थीम जैसे आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे, हड़बड़ाना मत, हड़बड़ा के मत पढ़ना, ठीक है। जैसे जीबी शाह का यहाँ पे देखो, कुछ कुछ जो है किताब यहाँ इनकी रचनाओं को लिखा गया है और उनका जो प्रॉब्लम्स डील विद, पहले नेट में इस तरह का एक क्वेश्चन हमेशा आता था प्रॉब्लम प्ले से, ठीक है, गैल्स पर जो भी लिखे। तो फ्लाइट ऑफ ओल्ड मेन,
बूढ़े लोगों का क्या क्या कष्ट होता है, दुख होता है, इस पे तो क्या है, ये भी एक समाज से जुड़ा हुआ बात है। ठीक है, वेरेंस प्रोफेशंस क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ फॉलन विमेन एंड ठीक है प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि वेरेंस प्रोफेशन में बताया है कि समाज में कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो पतित है, पतित है का मतलब प्रोस्टिट्यूशन में अपना जीवन बिता रही है, तो उन लोगों का क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या मानसिक पीड़ा है, क्या संताप है, इन सब चीजों का वर्णन किया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, बोलता है फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो एंड ही, ठीक है, हीरोइक वर्शिप हो सकता है। हाँ, मैन एंड सुपरमैन में क्या, सैटायर ऑन सुपरमैन एंड द रोमांटिक लव, ठीक है, बड़ा मजेदार चीज है, पढ़ना भी है हम लोग को, सैटायर एंड सुपरमैन एंड रोमांटिक लव, क्लियर है। तो इस तरह का जितने भी मोर देन 60 ठीक है लिखे हैं, और उसमें जो मेन मेन प्रॉब्लम प्ले है उसका मेन थीम क्या है, या ओवरऑल कहा जाए कि जीवी सह जितने भी ड्रामा लिखे हैं अगर दो शब्दों में बोला जाए तो उसका मेन थीम क्या है, तो पता चलेगा सब पढ़ लिए थे सर, वही दुगो बतिया तो नहीं पढ़े, गड़बड़ हो जाएगा ना। आप लोग को थोड़ा सा आज इंडिकेट कर रहे हैं कि पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान, और सब पढ़ गए, चैप्टर पढ़ गए, वही दो बात ध्यान में नहीं रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो क्या हुआ, पढ़ा हुआ सब बेकार हो गया ना। ठीक है, तो लिखिए, ठीक है अमित, लिखिएगा द कॉमन थीम ऑफ टीवी सॉस ड्रामा, या बर्नार्डसा ड्रामा कर दीजिए, द कॉमन थीम ऑफ बर्नार्डसा ड्रामा दो पॉइंट ही लिखेंगे इसमें हम लोग, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर, SENSE, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है, यानी कोई समाज में ऐसा बात है या कोई गड़बड़ी है या कोई बुराई है तो उसको ह्यूमरिक बना देना, ठीक है, उससे क्या है लोगों को इंटरटेनमेंट पता, क्लियर है। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा लुकिंग एट सोशल इविल्स, लुकिंग एट सोशल इविल्स, यही मेन दो थीम है इनके सारे ड्रामा का, लुकिंग एट सोशल। अब बताइए, मान ली कि प्रोस्टिट्यूशन का धंधा है, गवर्नमेंट लाइसेंस दे दे रही है, सब कर रहा है, लेकिन वहां क्या है, दुख दर्द पीड़ा महिलाओं का तो है, क्लियर है जी, तो ये तो उसको भी क्या कह सकते हैं, समाज में एक बुराई के समान है, एक गंदगी के समान है, घृणा है, हेटर्ड है, ठीक है, या रोमांटिक लव के बारे में बोला जाता है, तो जहां जहां इनको लगा समाज में जो बुराइयां हैं उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया, उस पर लिखा, और ठीक है जहां भी इनको मौका मिला तो ठीक है ह्यूमरिक वाला चीज जो है उस पर, ठीक है, उस पर कॉमेंट टाइप के, सटायर टाइप की इन्होंने चीजें, क्लियर है। तो अब हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने, ठीक है, पॉइंट पे आ जाएं। अब आइए हम लोग देखते हैं, अब प्रॉब्लम प्ले समझने में आपको दिक्कत, समझ गया जी हमें, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, क्या सिद्धांत दिए थे, आनुवंशिकता का सिद्धांत, ठीक है, जेनेटिक थ्योरी ऑफ जेनेटिक, पहली बार जब जेनेटिक का थ्योरी जब दिए और एक मंच को, ठीक है, संबोधित कर रहे थे, एक बहुत सुंदर महिला आई, बोली कि आपके पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट नॉलेज है, दिमाग सबसे शानदार, और बोली कि मैं इतना सुंदर, अगर हम लोग का संतान पैदा होगा तो कितना हुआ जो स्मार्ट होगा, कितना सुंदर सुनो, बोला कि कहीं रिवर्स हो गया तब मेरे जैसा बदसूरत हो जाएगा, ठीक है, और तुम्हारे जैसा जो है दिमाग में हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे फिलोसोफर राइटर मानते हैं, इंग्लैंड में तो बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर हुए, वो लोग मानते ही नहीं थे कि महिलाओं के अंदर आत्मा होता है, इसलिए बहुत दिन, मैंने हम नहीं ऐसा बोल रहे हैं, जो इतिहास है उसको बता रहे हैं, तो ऐसा केवल उनको सरप्रेस रखने के लिए, उनको दबा के रखने के लिए, ठीक है,
बहुत बाद में महिलाओं का वोटिंग का अधिकार मिला। ठीक है, यूनान वगैरह के भी कुछ फिलोसफर ठीक है ऐसा मानते हैं कि महिलाओं में आत्मा नहीं होता है, पता नहीं पगला लोग का है इसे बोलता है, समझ रहे बात को, वही कैटेगरी का भी है ना। इसका कोई अनुभव नहीं, पागलपन है। अरे महिला नहीं होती तो जो है हम लोग इस धरती पे नहीं आ पाते, समझ रहा है, पागलपन ही है सब। ठीक है चलिए, अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे। ग्रेगर ठीक है, हेरिडेटरी के सिद्धांत में बोले कि अगर तुम्हारे जैसा मूर्ख हो जाए बच्चा और मेरे जैसा बदसूरत हो जाए सब बेकार हो जाएगा। ऑफर की महिला की शादी कर लेंगे तो धरती का सबसे जो है इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्चा। तो ठीक है, मैन एंड सुपरमैन में भी कुछ ऐसा ही, हालांकि जीवी शाह जो है इसी को काटते हुए ठीक है क्या है कि लाइफ फोर्सेस का सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं? लाइफ। अब लाइफ फोर्सेज एक्सप्लेन करने में लंबा होगा थोड़ा, तो एक्सप्लेन नहीं करें लेकिन शॉर्ट में बताएंगे। ओके, चलिए। बोलता है कि अ प्रॉब्लम प्ले इज अ प्ले इन विच द प्ले राइट टैकल्स द सोशल कॉमा लीगल और इकोनॉमिक और ठीक है ह्यूमन और द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है? आ गया अभिषेक, समझ गया कि भेजिए देने एडवांस भेज दिया करना। ठीक है, क्लास यहाँ शुरू होने से पहले ही लोग एक दिन पहले ही दे। क्या है? चलिए, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉब्लम प्ले में कौन सा जो है ठीक है सोशल इश्यूज को लिया जाता है, तो वह सोशल हो सकता है, लीगल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, ह्यूमनिस्टिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है। समाज में इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यूज है, प्रॉब्लम है, तो वो मैटर को प्रॉब्लम प्ले में कंसीडर किया जा सकता है, उस पर ठीक है प्रॉब्लम ड्रामा को बेस्ड हो सकता है। बोलता है दिस लिटरेरी जेनर वॉज डेवलप्ड रिसेंटली बाय द प्ले राइट हेनरिक इब्सन। आ गया, यानी अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले किसको माना जाता है, तो हेनरी इब्सन को। तो हेनरी इब्सन को और भी चीज माना जाता है जो लिखा है अभी, क्या क्या माना जाता है? हेनरी इब्सन को फादर ऑफ मॉडर्निज्म इन ड्रामा या थिएटर माना जाता है, और क्या माना जाता है? फादर ऑफ रियलिज्म भी माना जाता है। रियलिज्म का मतलब क्या हो गया? साक्षात, यानी सही बात। जैसे किसी किसी को सत्य से इतना प्रेम होता है कि उस चीज के लिए वो कुछ भी कर सकता है, मर सकता है या मार सकता है मेरे लिए, जैसे मेरे जैसे अगर कोई गड़बड़ करेगा तो बर्दाश्त नहीं, आई कांट टॉलरेट दैट एकदम। ठीक है, हाँ वो भी हो सकता है। बोलता है कि इब्सन ऑफ द नॉर्वे ठीक है इज नोन टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रॉब्लम प्ले, लिखा हुआ स्पष्ट। इन इंग्लिश जॉन गैल्सवर्थी एंड द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रोट नंबर ऑफ द प्रॉब्लम। तो अगर पूछा जाए कभी कि मेन प्रॉब्लम प्ले राइटर्स में किनका किनका नाम आता है, तो दो का नाम याद रखिएगा और तीसरा एक उनके फादर को भी याद रखिएगा जहां से जन्म होता है। क्लियर है? अब आइए, ठीक है, मेन मेन जो प्रॉब्लम प्ले है और वह किस मैटर से, जैसे नेट में पहले एक क्वेश्चन आता था अभी भी आता है, वो जो प्रॉब्लम प्ले है कौन सा मैटर को डील करता है या किस मैटर पे आधारित है या किसके बारे में उसमें लिखा। क्लियर है? आइए कुछ कुछ इसमें याद करने वाली जो चीज। ऑनलाइन वाला बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, देखो बहुत दूर है तो देख नहीं पा। चलिए, पहला है ठीक है विडोअर्स हाउसेस। बोलता है प्रॉब्लम दे डील विथ, तो क्या है? प्लाइट ऑफ द ओल्ड। तो याद रखना है, इंपोर्टेंट है पहला। दूसरा है वैरेंस प्रोफेशंस प्रॉब्लम्स ऑफ फॉलन वीमेन एंड प्रोस्टिट्यूशन, जो महिलाएं समाज में पतित है ठीक है और जो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के धंधे में है, तो उनका दुख दर्द सामाजिक जीवन
क्या मेंटेलिटी है, क्या फीलिंग है, इन्हीं से भी चीजों के बारे उसमें दिखा। क्लियर है? अगला है आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन, फ्यूटिलिटी ऑफ वार एंड फॉल्स ग्लैमर ऑफ द, ठीक है, सोल्जरशिप। बोलता है फ्यूटिलिटी ऑफ वार, यानी युद्ध देखिए अभी यूक्रेन में, वहां रशिया जो है मिसाइल पे मिसाइल लागे जा रहा है, पूरे यूरोप और अमेरिका को धमका रहा है कि सब एटम बम पटक देंगे, हमने पास तो इतना एटम बम है कि पृथ्वी को छह पर ब्लास्ट कर देंगे अकेले। तो नक्शे से हम जर्मनी और फ्रांस और इटली सब उड़ा दें, समझ रहे बात, पॉसिबल है। और रशिया के एरिया इतना बड़ा है कि दो चार दस को एटम बम गिराएगा अभी तो बचिए जाएगा कुछ न कुछ एरिया, समझ रहे बात को। तो डर गया भाई वो लोग, बात तो सही है बोल रहा है, गलती तो बोल नहीं रहा है। पैसा में रशिया कमजोर हो सकता है लेकिन एटम बम के मामले में पूरे वर्ल्ड के सब कंट्री का जो है एटम बम जोड़ेंगे तब जाके मिला जुला के जो है उसके बराबर होगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है। तो जितना पूरे वर्ल्ड में सब जोड़ जाड़ के होगा तो रशिया के पास उतना के लिए है। तो बोलता है कि देखो हम तो बर्बाद होंगे लेकिन तुमको छोड़ेंगे नहीं, तू लोग को भी नामो निशान में। अब फ्रांस और इटली और तू लोग बोल रहा है नक्शा से पूरे वर्ल्ड का नक्शा में भुला जाएगा आदमी कि कहां तुम था, समझ रहे? तो युद्ध ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, माने अगर देखा जाए तो पिछले 100 वर्षों में जो है 6,000 से भी ज्यादा युद्ध हुआ और हमेशा कहीं ना कहीं होते रहता है। तो यूक्रेन वाला जो है थोड़ा ज्यादा तुल पकड़ लिया है, नहीं तो कभी वियतनाम तो कभी कहां तो कहां तो कहां, कुछ ना कुछ चलते रहता है मामला, कभी सीरिया है ना, हाँ हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहे। तो उसी पे है फ्यूटिलिटी ऑफ वार, युद्ध बिल्कुल बेकार चीज है, कभी इससे जो है समाधान नहीं निकलेगा, ठीक है। और कभी कभी कोई आइडियोलॉजी में देगा कि ठीक है बिना युद्ध के शांति नहीं हो सकता है, ऐसा भी लोग बोलेगा, ठीक है। अगला है फॉल्स ग्लैमर ऑफ, ठीक है, सोल्जरशिप। ग्लैमरशिप मतलब पहले जो सिपाही होता था अपने आप को समझता था कि थोड़ा सा ताकतवर, नहीं किसी को मार देना, देखते हैं कभी कभी सिपाही कुछ उदंड होता था गांव देहात में बहुत अभद्र टाइप का भी व्यवहार करते, लोग अच्छे भी होते हैं क्या, ठीक है। तो जो ग्लैमर वाली बात है, ठीक है, तो फॉल्स ग्लैमर इसको बोले हैं जी भिसा की, फॉल्स ग्लैमर है, कखनी बॉर्डर पर कटाया जाएगा मरा जाएगा उसकी गारंटी है ना जी, ठीक है। अब इसी को जो है जो मानवीय चीजों को प्रधान, ठीक है, ह्यूमनिज्म को प्रधानता देते हैं तो क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, मरना और मारना, ये दोनों गड़बड़, ठीक है। यानी कुछ ऐसे राइटर हो सकते हैं, ऐसे फिलोसफर हो सकते हैं जो इस चीज के बिल्कुल विरोध में, आपको जब जीवन देने का अधिकार नहीं है तो आपको किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं। तो इन्हीं सब चीजों पर क्या है इसमें चर्चा किया गया। सीजर एंड क्लियोपेट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछले बार, फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो एंड हीरो, इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। अब तो यहां पढ़ लिए, पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन भी क्या है, देखिए एग्जाम है, टाइम हो गया क्या। सीजर एंड क्लियोपेट्रा के बारे में दो लाइन लिख लीजिए आप लोग, देखिए सीजर एंड क्लियोपेट्रा, पहला क्वेश्चन बी सीरीज में पिछले बार 2016 का जो टीजीटी के एग्जाम का क्वेश्चन है उसी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। सीजर एंड क्लियोपेट्रा ब्रैकेट में लिखिए 1901, 1901 क्या लिखेगा, 1901 कहेगा, इस भी याद रखना है सर। तो चार पांच गो इनका जो है, ठीक है, प्रॉब्लम प्ले का डेट याद रखना, ज्यादा नहीं, कितना, चार पांच। क्या बोला जाता है कि इसके बारे में मैच करने के लिए दिया हुआ है 1901, देख लिए आगे है मैन एंड सुपरमैन, क्या है, मैन एंड सटायर ऑन सुपरमैन एंड रोमांटिक लव, सटायर है क्या, सटायर। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कि पहले जैसे, ठीक है, जब इस
इनके एज में, यानी मॉडर्न ड्रामा जब स्टार्ट हुआ उस समय जितने भी वेस्टर्न के फिलोसफर थे, राइटर थे, उन लोगों के दिमाग में एक बात हमेशा आता था कि हाउ द सुपरमैन कैन बी क्रिएटेड, सुपरमैन धरती पे यानी बेहतर जनरेशन के इंसान कैसे हो सकते। उसमें ऐसा माना गया कि जब माता और पिता का दोनों का जेनेटिक कोड जब हाई लेवल का होगा, ठीक है, यानी दोनों पढ़े लिखे हों, दोनों हर मामले में अच्छे हों, तो उनकी जो संतान होगी वह क्या होगा, वो भी बेहतर होगा। और एक एंगल से ठीक भी लगता है, नहीं लगता है आप, जैसे किसी के माता पिता मान लीजिए 6 फीट के हैं, पढ़े लिखे काफी इंटेलेक्चुअल हैं, हर तरह से कॉम्प्लेक्शन से लेके हर मामले में क्या है, हाई है, तो नेचुरल, ठीक है, नेचुरल बात ऐसा लगता है कि उनका जो संतान होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, क्या होगा, वो भी बेहतर होगा। क्लियर है? तो इसी कॉन्सेप्ट पे ही सटायरिंग की है, ठीक है, और रोमांटिक लव पे भी सटायरिंग है, ठीक है, कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की अगर ऐसा समझता है कि हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं या उसके पीछे हम भाग रहे हैं या उसको लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोलते हैं कि तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, जो इस सृष्टि की जितने भी महिलाएं हैं, ठीक है, वह साइलेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप रोमांटिक लव कर रहे हैं। बोलता है कि ड्यू टू द लाइफ फोर्स के कारण ये जो है ऑटोमेटिक ऐसा हो रहा है, इसके कारण से लाइफ, तो लाइफ फोर्स पे भी कमेंट सटायरिंग किए हैं और किस पे किए हैं, ठीक है, सुपरमैन के क्रिएशन पे। अब इसमें बहुत सारी बातें चर्चा करने के लिए हैं और हम लोग को डिटेल में ये चीज पढ़ना है और यहीं से इसी ड्रामा से हम लोग का 8 क्वेश्चन कम से कम आएगा, तो हम लोग इसको एक्ट वाइज, लाइन वाइज, कोटेशन वाइज हर तरीके से डिटेल। क्लियर है? कितना टाइम हो गया जी? आगे है एप्पल कार्ट होलिनोस, ठीक है, क्या है, होलोनेस ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के खोखलेपन पे बात हुआ, ये नाम के लिए है कि डेमोक्रेसी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द, ठीक है, एवरी मैन की बात किया जाता है, ऐसा हो पता है क्या? गांव में जो है चापाकल जाता है तो पॉपुलेशन 1000 है और चापाकल 2 जगह लग पाता है, राशन बटाने के लिए जाता है कि 5-5, 10-10 kg सबको मिलेगा, पता चलेगा 10 को 5 को बूढ़ा बूढ़ी लोग ठंडा में जो है, ठीक है, भूखे मर जाता है, ठंड से मर जाता है, और कोई बेचने वाला डीलर है कि ट्रक के ट्रक और ट्रैक्टर के ट्रैक्टर सब जो है राशन बेच देता है। क्लियर है? तो डेमोक्रेसी में क्या क्या जो है होलीनेस है, ठीक है, होलोनेस करने का मतलब खोखलापन है, केवल बातों के लिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक जो मींस था, मेन जो उसका क्या था, उद्देश्य था, पर्पस था, वह फुलफिल, कहिएगा सब याद करना होगा, तो कम से कम जीवी शाह वाला याद कर लीजिएगा और हमको ऐसा लगता है कि यहां से जो एक क्वेश्चन आपका श्योर रहेगा, और सब याद नहीं रहेगा तो कौन कौन याद करना है ये हम बता सकते, ठीक है जी। अगला है गेटिंग मैरिड, फैमिली प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्याएं जो होता है, आजकल तो आम है, इंडिया वाला लोग बहुत जल्दी समझ जाता है इसको, अब वेस्टर्न वाला लोग बहुत पहले से समझे हुए हैं, इसीलिए बोलता था हाथ में नहीं है, अगला है मिसेलेंस, मिसेलेंस में क्या है, ठीक है, मेल एडजस्टमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यदि पति पत्नी यानी कि शादी विवाह अगर बेमेल हो जाए तो क्या क्या समस्याएं आ सकती है, क्या क्या आएगा समस्या जी बताओ, जल्दी बोलो, बार के इसका वो कपार फोड़ देगा, वो इसका कपार फोड़ देगा, समझ रहे हैं बात को, तो एकदम लाइफ से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ, जितने भी समस्याएं थी, जितने भी व्हील्स थी, उन सारी चीजों पर ये जो है लिखे, और यही कारण बहुत पॉपुलर हुए, क्लियर है, लेकिन इनका दुख भी एक जिंदगी का रहा है जो अभी नहीं बताएंगे, इस समय बताएंगे जब पढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़े आगे, आगे है द डॉक्टर्स डायलेमा, द डॉक्टर्स डायलेमा इंपोर्टेंट है एकदम, याद कर लीजिएगा,
बोलते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स लोग किस किस तरह का जो है करप्शन, भ्रष्टाचार जो है, एक्सप्लॉइटेशन जो है रोगियों से कई तरह से करते हैं। मामूली पेट दर्द है, गैस से हो रहा था, डॉक्टर के पास गए, अरे बाप बहुत ब्लास्ट करने वाला है, अगर आधा घंटा में ऑपरेशन नहीं होगा तो प्राण चल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और यहाँ खूब होता है, हर जगह होता है, कहिएगा कि सही बात है कि गलत बात है। एक लाइव एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, डाल्टेनगंज एक जगह है पलामू जिला में, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर जहाँ के हम रहने वाले हैं, ठीक है, वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर के नाम हम नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं वीडियो कहाँ चल जाएगा तो वायरल होने लगेगा। वो क्या किया कि चैनपुर नाम का एक जगह है, वहाँ की महिलाओं का जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम, यूटरस प्रॉब्लम, आफ्टर 30 या आफ्टर मैरिज कुछ ना कुछ कॉमन चीजें होते रहते, ठीक है, वो लगभग एक ही गांव के लगभग 50-60 महिलाओं का सबका यूट्रस काट के निकाल दिया। नहीं समझे, झोला साहब ने बड़का सर्जन था, पेपर न्यूज सब आया था, ठीक है, काहे निकाल दिया, तो अगर दवाई देके ठीक करता तो 1,500 में बर्दाश्त करना पड़ता उसको, या 2,000-5,000, और ऑपरेशन का चार्ज कितना था, 25,000, तो सीधे मल्टीप्लाई किए 25,000 गुने संख्या टारगेट, तो इसी तरह का कुल मिला के जो है टारगेट अभी भी चल रहा है इंडिया में। इंग्लैंड में पहले हो चुका है सर, अभी उधर जो पहले हो गया वही ना अब यहाँ हो रहा है। अब यहाँ थोड़ा कम कपड़ा पहन के कोई लड़की निकल जाएगा, लड़का तो कहेगा मैं स्मार्ट हो गया। नहीं, मॉडर्निज्म का क्या है, सिंबल यही है, समझ में आ रहा है जी? गौरव कुछ नहीं बोल रहा है, लेट से आया का, देखे पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। हाँ तो बहुत सिंपल आंसर है, जैसे देखिए कभी कभी जैसे चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, हाँ यही आंसर है, तो इसका देखिए क्या है ना कि जैसे पिग्मेलियन क्या है उसमें तो बताएं, फोनेटिक्स के बारे में है, गरीब लड़की को जो है किस तरह से एक सिविलाइज्ड और मॉडर्न बनाया जाता है, क्लियर हुआ? तो और जैसे मेजर बारबरा, ठीक है, तो मेजर बारबरा का देखिए क्या थीम है, यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, रिलीजियस हाइपोक्रेसी, धार्मिक पाखंड। धार्मिक पाखंड समझते हैं? धार्मिक पाखंड नहीं समझते हैं? तो केवल हिंदू धर्म में नहीं है, सब धर्म में रहा है, क्रिश्चियन में भी रहा है, वही कारण जो है, ठीक है, प्रोस्टेंट और जो है क्या कैथोलिक वगैरह का डिवीजन हुआ, एगो जो रोम से ईसाई धर्म आया है जो ये इंग्लैंड में जो है वो लोग, और वही कारण है कि ठीक है वहां कई धार्मिक आंदोलन वगैरह भी चला है ना। क्या वो लोग करता था, जैसे नहीं आजकल हम लोग कहें कि अगर कोई मर गया है तो गौ दान कीजिएगा तो स्वर्ग चले जाइए, आपके जो है बाप, ठीक है, जितने भी घर के मृत आत्माएं हैं उनका स्वर्ग डायरेक्ट जो है पहुंच जाए, समझ रहे हैं बात को? अब पता नहीं पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, हमको भी नहीं पता है ना। तो इसी तरह का बहुत सारा हाइपोक्रेसी जो है, पाखंड जो धर्मों में है, अलग अलग धर्मों में उसका जो है, ठीक है, कहीं हिंदू धर्म वाला है पर पढ़ना ना है उसको, हिंदू हिंदू से कोई मतलब, सब क्रिश्चियन धर्म वाला, ठीक है, बड़े आगे एकदम, देखो लिटरेचर को एकदम रियलिस्टिक बना के समझो, रियलिस्टिक का मतलब इसका कोई भी पार्ट तुमसे अलग नहीं है। क्या इंसान से विचार को अलग किया जा सकता है, फीलिंग्स को अलग किया जा सकता है? नहीं, तो फिर कैसे अलग हो गया लिटरेचर? समझ में आया? केवल उसका वे ऑफ द रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, पोएटिक स्टाइल में हो सकता है, ड्रामेटिक स्टाइल में हो सकता है, एसे के फॉर्म में हो सकता है, आपका विचार को एक्सप्रेस करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, यही हो सकता है। अब ये जो फॉर्म्स ऑफ अलग अलग लिटरेचर के फॉर्म्स हैं तो उनका अलग अलग कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, टर्म है, अगर उस चीज को समझते हैं तो फिर लिटरेचर तो लाइव हो गया आपके, नहीं हुआ? कल हमको कोई बोला कि रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फलना जगह पढ़ाने जा रहे हैं,
हम ले, अरे वही लोग तो बचपन लोग को पढ़ा पढ़ा के बेवकूफ बना दिया, 2-3 साल BA में पढ़ाया, 2 साल MA में पढ़ाया, और उन लोग को फिर इतना जो है पॉलिश हम लोग को करना पड़ता है। अब तो 5 साल बेवकूफ बनेबे किया पढ़ा पढ़ा के, अब कम से कम नौकरियों लेने के टाइम में उन लोग को बेवकूफ बनाना चाह रहा है। ये भी नौकरी मिलने वाला है वो गड़बड़ा देगा कि अबरी भर आ जाओ तुम, नहीं ऐसा तो क्या कीजिएगा। वो लोग जो 5 साल में पढ़ाया उस चीज को हम लोग को 4 महीना में 5 महीना में पढ़ा, एक ऐसा हो सकता है बिल्कुल। पिछले बार जब PGT का एग्जाम हुआ था तो आप सिलेबस देख लीजिए, पिछले बार का PGT का सिलेबस देख लीजिए, वही सिलेबस इस बार भी है, और उस चीज को मात्र हम लोग 3 महीना में पढ़ाए 2-2 घंटा तक, और केवल पढ़ाए नहीं है रिजल्ट भी दिया, बहुत बेहतर रिजल्ट, ठीक है। तो बात है देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और एक जनरल एकेडमिक टीचिंग, दोनों में बहुत अंतर है। और इतना दिन में अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप अंतर समझते होंगे कि क्या अंतर होता है। जैसे अभी ही हम प्रॉब्लम पे ले पढ़ाएं तो देखें कंटेंट्स को कैसे कंसाइज किया जाता है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए इम्पोर्टेंट। दूसरी बात की अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो पैटर्न है तो एग्जैक्ट वही बात तो दोबारा नहीं पूछता है, लेकिन किस तरीके से मैटर या कोई इंफॉर्मेशन दूसरे चीजों से इंटरलिंक्ड है, उस चीज को कनेक्ट करना, कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करके रिप्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ जाए जी, आगे है जॉन बुल्स, ठीक है। अदर आइसलैंड रेशियल प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब समझते हैं पूर्वाग्रह। जैसे मान लीजिए कि कोई नया स्टूडेंट आ जाया, हम मेरे बारे में पूर्वाग्रह बना लिया कि सर बहुत पकड़ पकड़ कर काम के बाद कम करते हैं, अरे हो सकता है ऐसा, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि कहीं गए अपने रिलेटिव के यहाँ, पहली बार अपने किसी सगे संबंधी से मिल रहे हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, तो बहुत लड़की का क्लियर है। तो यह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्या है, मानसिक समस्या। क्या कोई लड़की शादी से पहले ही सोच रही कि मेरा हस्बैंड होने वाला बहुत बदमाश होगा, ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि तुम सोच रहे हो कि सब सोच रहे इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रेजुडिस। तो इसमें किस तरह के, तो रेशियल का मतलब क्या हो गया, जाति से संबंधित उस तरह का जो प्रेजुडिसेस जो है, जैसे हम लोग को समाज में एक माना जाता है, अगर उस कास्ट के होइएगा तो बुरा मत मानिएगा, केवल समझाने के लिए इसका एग्जांपल कि पंडित जी लोग बहुत ठग होते हैं, अब पता नहीं हमको होते कि नहीं होते, ठीक है। तो यह इट इज ए काइंड ऑफ द रेशियल प्रेजुडिस। तो उस समय इंग्लैंड में जो क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड, जो उस समाज से रिलेटेड जो प्रेजुडिस था उसके बारे में, क्लियर है। अब देखिए एक बार जब एकदम अंदर से समझ जाइएगा ना, तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर है। आगे बढ़े जी, ऑनलाइन वाला स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, एक बार देख लो स्क्रीन। ठीक है, अगला है मेजर बारबरा हो गया था ना, द डेविल्स डिसिपल, ठीक है। क्या है, पुरिटिनिकल रिचुअल्स एंड द फैंटेसिज्म। रिटर्न धर्म में क्या क्या जो है रिचुअल्स, रिचुअल समझते हैं, प्रार्थना का तरीका, पूजा का तरीका, झाड़ फूक का तरीका, भूत पकड़ लिया तो झाड़ने का तरीका, कोई बीमारी है तो उसको झाड़ने का तरीका, क्लियर है। और हरेक धर्मों में हरेक कल्चर में इस तरह का होता है, इसको क्या बोला गया, रिचुअल्स बोला। मेरा एक स्टूडेंट था बहुत प्रिय था, अशोक मिंज नाम था, ठीक है, क्रिश्चियन लड़का था बेचारा, बहुत सीधा,
जय बार जहां मिलता उतना बार पैर छू के प्रणाम, इसी कारण से हमको लगता है बीमार पड़ गया। उसको कई बार हम सलाह दिए कि बढ़िया डॉक्टर से जाके, आज से 20 साल पहले की बात है, 15-20 साल लगभग, हाँ ठीक है। तो वो लगा झाड़ फूक के चक्कर में, कभी चर्च में जा रहा है तो कभी वो चंगाई सभा में जा रहा है तो कभी वो जो है प्रेयर सभा में जा रहा है, बेचारे से बड़ा दुख की बात। यानी इन सब चीजों का कहीं ना कहीं समाज में नकारात्मक क्या है, इफेक्ट है, इम्पैक्ट। ठीक है, झड़वाइए फुकवाइएगा भी जरूर, या मत करवाइएगा, लेकिन इलाज सही जगह पे जरूर करो, मेरा इतना ही कहना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेजर बारबरा, क्या है रिलीजियस हाइपोक्रेसी, क्या है धार्मिक पाखंड। हाइपोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पाखंड, पाखंड जो बताया अभी। अगला है स्विंग अप ऑफ ए ब्लैंको, ठीक है पॉस्टनेट सुपरस्टिशंस एंड द फैंटिसिज्म ऑफ रिलीजन। धर्म में बहुत सारे अंधविश्वास वाली चीज, क्या है ठीक है, ऑफेंटेसिज्म उसी को बढ़ा चढ़ा के करने वाला बातें हैं, तो इन सब के बारे में तो देखें कि जीवी शाह का जो आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, क्या है रियलिस्टिक की तरह। डे टू डे लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, जो भी समाज में बुराइयां हैं, इन सभी चीजों पर सटायरिक अंदाज में बहुत गहरा घात किया है, ठीक है, और उसको ह्यूमरस हंसाने वाला भी बताती है। जैसे बोलेगा मेरा तो प्रेम ऐसा है वैसा है, बोला अरे कुछ नहीं है, वो लाइफ फोर्स वाला है, वही उम्र वाला कमाल है, झूठों के परेशान है तू, की जन्म वो जन्म ही आत्मा वो आत्मा के चक्कर में लगा हुआ है। क्लियर है। अगला है मैन ऑफ डेस्टिनी, हॉलीनेस ऑफ द हीरो वर्शिप, ये नाम है इनका प्रॉब्लम प्ले का, और ये जो समस्याओं को डील करता है उसका है। हाँ दोनों याद कर, हाँ ऐसा भी पूछ सकता है रिवर्स मोड में। अरे चलिए ना प्रेप बनाते पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस कराते कराते याद करा दे, देखो याद करा देना मेरा काम है जी, तुम खाली घर जाके रिवीजन करके आते रहना है ना। क्लियर है, आगे बढ़े थोड़ा सा है, हार्ट ब्रोकन हाउसेस, ब्रोकन फैमिली, ब्रोकन फैमिली समझते हैं, मियाँ शादी ब्याह हुआ, मियाँ उधर भाग गया, बीबी उधर भाग गई, माँ को अलग कर दिया, बाप को अनाथालय भेज दिया, नहीं समझे बात को, ओल्ड एज भेज दिया, तो समाज में क्या परिवार ऐसे टूटता है, बिखर जाता है ना। ठीक है, मियाँ बीबी अलग हो गया तो बाल बच्चा कहाँ रहेगा, तो उसके लिए अलग जो है अनाथालय में भेज दिया गया, तो क्या परिवार का मतलब ही नहीं रहा। तो इन सभी समस्याओं पर जो है ठीक है, तो कितना प्रैक्टिकल आदमी थे, क्या भी बहुत हंस रहा है, हम लोग से ज्यादा मजा यही लेता है ना, जबकि इसका विषय भी इंग्लिश नहीं है ना, लेकिन बोलता है कि सर हम अंग्रेजी ऑनर्स नहीं लिए, बहुत गलती का। हाँ ये तो बात है कि अगर तुम्हारा रहता तो जो है फ्री में तुम्हारा हो जाता। अगला है ओवर रूल्ड सोशल इनइक्वालिटीज, समाज में बहुत सारा चीज जो है असमानता है, ठीक है, तो उस चीज को ठीक है, अब जैसे इंडिया में ही नहीं था, खटिया पर बैठ जाता तो बैठने नहीं देता, छोटा आदमी जो है छोटे जाति का जो है नीचे बैठो, तो अगर बैठ गया तो खटिया को धोता, पहले चापाकल छू देते तो चापाकल के जिंदगी में पानी नहीं पीता, तो बहुत सारा जो है ऐसा ठीक है असमानताएं थी, ठीक है। अगला एंड्रिकेंस एंड द लॉयन इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है, रिलीजियस, ठीक है, पर्सिक्यूशन, पिग्मेलियन फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन। फोनेटिक्स क्या होता है, द साइंटिफिक एक्सप्रेशन एंड द डिलीवरेशन ऑफ द वर्ड्स इज नोन एज फोनेटिक्स, शब्दों को वैज्ञानिक तरीके से बोला जाना या कैसे उसका प्रोनाउंस करना है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, इसी को फोनेटिक्स में पढ़ा जाता है। आज इतना ही रखते हैं, 5 मिनट रेस्ट लेके फिर जेटेट में मेरा ही क्लास, तो आप लोग को ग्रामर पढ़ना होगा तो रुकिएगा, ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं, आज टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस चल रहा है।